फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, उसकी किस प्रकार से रैंक वाइज उसको डिवाइड करते हैं, किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं उसके बारे में बताया था। अब क्लासिफिकेशन के सम ऑर्गेनिम्स के बारे में, उनकी हर चीज के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार से ह्यूमन का कॉमन नेम चेंज हो जाता है साइंटिफिक नेम में, उसका जेनरा, फैमिलीज, ऑर्डर, क्लास और फाइलम या डिविजन। फाइलम, फाइला जो आपको यहाँ पर शो रहा है, ये किससे? एनिमल से। और डिविजन, प्लांट्स। जैसे कि हमने देख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्टली कॉमन नेम्स आपका ह्यूमन का, पहले ही मैंने आपको बताया था, ये तो आप सभी जानते हैं। तो साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस होता है, और दोनों को अंडरलाइन करते हैं सेपरेट। ये इटैलिक लिखे हुए होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इटैलिक है, तिरछे लिखे हुए हैं। लेकिन जब आप राइट करेंगे तो कैसे करेंगे? किसी प्रकार से राइट करेंगे, लेकिन उसका जो जीनस है और स्पीसीज है दोनों को अंडरलाइन करेंगे, होमो को अलग और सैपियंस को अलग। जेनरा क्या है स्टूडेंट्स इसका? होमो। फैमिलीज क्या है? होमिनिडी। ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। क्लास क्या है? मैमेलिया। और इसका फाइलम क्या है? ऑर्डर। क्लियर? इसी प्रकार से रैट का, रेटस रेटस। आपके सिलेबस में बहुत सारे साइंटिफिक नेम हैं जो आपको लर्न करने हैं, ये कुछ एग्जांपल हैं। अब रेटस रेटस साइंटिफिक नेम है इसका, और जेनरा इसका रेटस, और फैमिली है इसकी मुरेडी। ऑर्डर इसका रोडेंटिया, रोडेंटिया। और क्लास है इसकी मैमेलिया, और फाइलम कॉर्डेटा। अब ये देखो मैच कर रहे हैं कॉर्डेटा, मैमेलिया, ठीक है। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन में सिमिलरिटीज भी आती हैं कुछ भी, इसके फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर में, फैमिलीज में, जेनरा देखने को आपको मिलेंगे। जेनरा जिसे हम जीनस भी बोलते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट, अब डॉग साइंटिफिक नेम्स कैनिस फैमिलरीज साइंटिफिक नेम होता है। जेनरा आपका कैनिस है, फैमिली कैनेडी, ओनिवोरा इसका ऑर्डर है, क्लास इसका मैमेलिया, इन्हीं की तरह मैमल है ये भी, और फाइलम इसका कॉर्डेटा। क्लियर? इसी प्रकार से फ्रॉग राना टेग्रीना, ये बहुत पॉपुलर नेम है आपका, प्रीवियस क्लासों में आपने बहुत पढ़ा हो। तो राना टेग्रीना जेनरा इसका राना, और फैमिली इसकी रेनेडी, और ऑर्डर्स अनुरा। एम्फीबिया है ये, क्लासेस के एम्फीबिया में आ गए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मैमेलिया में ये क्या है, न्यू ऑफस्प्रिंग के रूप में किसको जन्म देते हैं? बेबी को। जबकि ये क्या करता है? बेबी को जन्म देता है, बल्कि क्या करता है? एग, एम्फीबिया। और इसका फाइलम कॉटेट। इसी प्रकार से हाउसफ्लाई मोस्का डोमेस्टिका, जेनरा इसका मोस्का है, और इसकी फैमिली मुसेडी, ऑर्डर्स टिप्टेरा, और क्लास इस इंसेक्टा। ये इंसेक्ट के जो ग्रुप है, इंसेक्ट है, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इसकी स्पीसीज पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें ऑर्गेनिज लिविंग ऑर्गेनिज सबसे ज़्यादा इंसेक्टा के पाए जाते हैं। और इसका फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये कह सकते हैं सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम। आर्थ्रोपोडा पैराचिमा पोस्टुमा, या आपका साइंटिफिक नेम है या जूलॉजिकल नेम कह सकते हैं। इसका जेनरा पैराचिमा, फैमिलीज ऑपिस ओरा, और ऑर्डर्स मेगा स्कोलेसर्टी, मेगा स्कोलेसर्टी। और इसके क्लासेस हैं ओलिगोचे, फाइलम एनिडी। इसी प्रकार से मैंगो, ये आपका बोटिकल नेम है, मैंगीफेरेंडिका, जेनरा इसका मैंगीफेरा। इसकी फैमिलीज, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, इसी प्रकार से वीट रटिका मैस्टिवम इसका साइंटिफिक नेम है या बोटिकल नेम है, ये भी एंजियोस्पर्मी। इसी प्रकार से तुलसी, ओसिमम सैंक्टम, यानी इसे होली प्लांट बोलते हैं, ये 24 आवर क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। तो ये क्या है आपके क्लासिफिकेशन? सम ऑर्गेनिज्म हैं, सोइंग हेरिच
ये रैंक के अनुसार किस प्रकार से डिवाइड किया गया है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इसी प्रकार से हम बहुत सारे साइंटिफिक नेमों को स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर साइंटिफिक नेम्स एंड बोटनिकल नोमेनक्लेचर, मैंने आपको बताया था साइंटिफिक नेम होते हैं, बोटनिकल बायो नोमेनक्लेचर द्विनामपदी जिसे बोलते हैं, तो नोमेनक्लेचर में नामकरण और बायोनोम विनोमियल द्विनाम, जिसमें दो नाम होते हैं विनोमियल नोमेनक्लेचर, एक जीनस का और एक स्पीसीज का। किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। ठीक, तो इसी प्रकार से इंटरनेशनल रूल्स हैं कुछ नोमेनक्लेचर के, जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज इज गवर्न, जो फुल फॉर्म है ICBN के, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये फुल फॉर्म में आपको याद होनी चाहिए। फॉर प्लांट्स के बारे में बताती है, इसी प्रकार से ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, वो एनिमल्स के बारे में बताती है। तो हम इस प्रकार से स्टडी करते रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लिखाएंगे। थैंक यू।